हवाले से हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस में जो आज टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4। तो यानी हम ऐसी पार्शियल फ्रैक्शंस को आज देखेंगे जिनमें जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्वाड्रेटिक हैं, यानी लीनियर नहीं है। केस 3 में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की बात की जाएगी और केस 4 में क्वाड्रेटिक और रिपीटेड फैक्टर्स की। तो अगर हम एमसीक्यूज देखें ई कैट में किस तरह के एमसीक्यूज के साथ हमारा जो वास्ता पड़ सकता है, तो यहाँ पे मैं एक एमसीक्यू पेस्ट करता हूँ। द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू एक्स माइनस 1 इज ऑफ द फॉर्म, वो किस फॉर्म का होगा? ए ऑप्शन है ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये बात हम जानते हैं कि जब हम जनरल फॉर्म में किसी भी पेरेंट फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हैं तो अगर रूट जो है वो क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक से मुराद के जहां पे एक्स की डिग्री 2 होगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक रूट हो, तो उस केस में हम दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस, दो कांस्टेंट की सूरत में इसको लिखेंगे। यानी ए फर्स्ट कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ वेरिएबल एक्स आएगा और सेकंड कांस्टेंट एज इट इज, यानी फर्स्ट कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाएगा। तो ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी। तो एक क्वाड्रेटिक जो फैक्टर है उसके लिए हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। इस तरह कोई और नॉन रिपीटेड फैक्टर होता, लेट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3 होता, तो उसके लिए हम लिखते सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब चूंकि एक ही क्वाड्रेटिक फैक्टर है और नॉन रिपीटेड है, तो लिहाजा हमने सिर्फ दो कॉन्स्टेंट के सूरत में लिख दिया ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, जबकि यहां पे जस्ट पावर 1 है। मीन कि ये हमें बता रहा है जैसे जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो रिपीट हो रहा है, जबकि सवाल में क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब है दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। जैसे मैं पहले कहता हूं एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड, ठीक है, इसको हम निकाल देंगे चूंकि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है अगर सेकेंड ऑप्शन में आ जाओ तो ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेक सेंस, ठीक है, फर्स्ट के लिए यानी नॉन रिपीटेड है वन टाइम। बट यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे इसने उसको स्क्वेयर कर दिए, जो कि अगेन उसके अगेंस्ट चली जाती है बात, चूंकि हम स्क्वेयर तब करेंगे जब हम केस 4 में जाएंगे। अभी हम केस 3 की बात करें जिसमें नॉन रिपीटेड फैक्टर्स होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है सी ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है, लेकिन प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर, अगेन यहां पे भी मिस्टेक है। तो लिहाजा डी जो है हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक के लिए जो सपोजिशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, और ये जो सेकंड फैक्टर है ये लीनियर है। ये क्या है? लीनियर। और इसके लिए हम जस्ट एक कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, जस्ट वन कांस्टेंट, तो सी और एक्स माइनस 1। सो डी इज द बेस्ट ऑप्शन। मैं डी को मार्क कर दूंगा या डी को मैं सर्कल कर दूंगा तो ये मेरे पास बेस्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब है केस 3 में यानी जब हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर होते हैं तो उस क्वाड्रेटिक फैक्टर नॉन रिपीटेड फैक्टर के लिए हम दो कांस्टेंट यानी एक लीनियर जो एक्सप्रेशन है उस सूरत में हम जो है वो सपोजिशन करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस की, या पार्शियल फ्रैक्शन जनरल फॉर्म में बनाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हम। द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आर ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शंस है हमारे पास। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप सोचें कि आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड है अगर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। तो लिहाजा हम यहां पे रिवर्स इंजीनियरिंग, अगर ये पेरेंट फ्रैक्शन है तो इसका मतलब है ये जो गिवन है ये इसकी डॉटर फ्रैक्शंस है, यानी ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस है। तो मीन कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो जो भी राइट आंसर होगा उसको सॉल्व करने पे वापस पेरेंट फ्रैक्शन आनी चाहिए। तो लेट सपोज अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए को ट्राई करते हैं और बहुत क्विकली, यानी यहां पे मैं अगर आपको एक्सप्लेन ना करूं तो आई एम श्योर कि मैं इसको ज्यादा जल्दी कर सकता हूं। देखें 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, ये देखें ये हमारे पास एलसीएम हो जाएगा, 2 कॉमन है तो 1 टाइम आएगा। अब ये जो चीज है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, बिकॉज इतने टाइम से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स स्क्वेयर ये बन जाएगा 2x क्यूब, उसके बाद 2 इंटू
सॉरी, हम साथ 2 को भी मल्टीप्लाई कराते जाते हैं, ठीक है, बिकॉज 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा ये 2 टाइम, तो चले 2 तो डिवाइड हो रहा है, 2 तो नहीं आएगा, तो लिहाजा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से तो हम ठीक कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा जी 2x क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2x, ये भी हमने सिर्फ इस 2x को मल्टीप्लाई कराया इसके साथ, अभी माइनस 5 को कराएंगे, तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5 और प्लस माइनस 5, यह जगह माइनस 5x एग्जैक्टली, माइनस 5x और उसके बाद माइनस 5, ये जस्ट मैंने इनको मल्टीप्लाई करा। अब इसी तरह से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 2x माइनस 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, जस्ट ये, ठीक है, और आप इसको सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे वन को और बहुत जल्दी लाइक रफ वर्क रफ शीट पे करेंगे तो कोई इस पे आपको कंप्लीट सॉल्व नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि इसमें इसको यानी इसको अप्लाई करने से मेरे पास एक्स क्यूब वाली टर्म जो है वो भी रह रही है, तो एक्स क्यूब तो यहाँ पे है ही नहीं है, इसका मतलब है दिस कैन नॉट बी दी ऑप्शन। आई जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, ठीक है, सेकेंड पे चले जाए एंड क्विकली देखें कि क्या चीज मिसिंग है। मैंने जब इसको खुद सॉल्व किया है अपनी कॉपी पे तो मैंने जो आंसर निकाला है वो क्या है, बी, बी इज द राइट आंसर, बिकॉज बी एक ऐसा हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस हैं जिनको ऐड करने से हमारे पास वापस यही आंसर आएगा। तो इस तरह से आप जो है वो बहुत जल्दी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, बजाय ये कि आप इसको कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू उन एक्चुअल पार्शियल फ्रैक्शन तक पहुंचे। तो दिस इज द शॉर्ट मेथड जो कि आपको थोड़ा सा जो है स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। स्मार्टली से मुराद के अगर लेट सपोज ऑप्शन सी निकलती है, यू गोइंग टू स्पेंड टाइम ऑन ए एंड बी, आप ए और बी पे भी टाइम स्पेंड करोगे, तो उससे बेहतर तरीका क्या है कि ए और बी को जब सॉल्व करें तो कोई एक वेरिएबल देख लो, दो वेरिएबल देख लो, तीन वेरिएबल देख लो, जो कि अगर वैसे नहीं आते तो छोड़ दो, बजाय कि आप कंप्लीट उसको सॉल्व करो, इस तरह से आपका टाइम सेव होगा। हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। वन ओवर टू इंटू एक्स प्लस टू प्लस एक्स माइनस टू ओवर टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ ऑप्शंस गिवन, आगे ए ऑप्शन है 3x स्क्वायर ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, बी ऑप्शन है x स्क्वायर ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, सी ऑप्शन है माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, डी ऑप्शन x स्क्वायर ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, चारों क्लोज ऑप्शंस हैं। अब इसका देखें सिंपलेस्ट वे, हमें इन चारों ऑप्शन से तब तक कुछ नहीं लेना जब तक हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाते। इसको अगर हम राइटली सिंप्लीफाई करेंगे यानी ठीक तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे तो इन चारों ऑप्शंस में ऑटोमेटिकली वो हमें आंसर दे देगा, बजाय ये कि हम एक आंसर को पिक करके उसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करें या पार्शियल फ्रैक्शंस की तरह सॉल्व करें तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन ढूंढें, हम इन दोनों को ऐड करते हैं। यानी अब ये डॉटर है, ये क्या है, डॉटर फ्रैक्शंस, या इनको हम पार्शियल फ्रैक्शन भी कहते हैं जो नोन है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। अब वो कहता है कि इन डॉटर की इन पार्शियल फ्रैक्शन की जो पेरेंट फ्रैक्शन है वो ए है, बी है, सी है या डी है। तो अब सबसे पहले हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहां से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूं और यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर सकें, फिर हम खुद ही कंपेयर कर लेंगे कि हमारे पास आंसर क्या है। बहुत आसान सा वे है, अगर आप देखें तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 और 2 इंटू एक्स प्लस 4 का जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, 2 चूंकि कॉमन है रिपीट हो रहा है लिहाजा 2 जस्ट वन टाइम आएगा एलसीएम के अंदर, ठीक है। एलसीएम लिया कैसे जाता है ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, आइडिया है, ठीक है। अच्छा चलें, 2 इंटू एक्स प्लस 2, 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, ये इतने टाइम से हो जाएगा, यानी अगर हम 2 इंटू एक्स प्लस 2 को एक्स स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई कराएं तब ये डिनोमिनेटर बनता है, या अगर आप इस डिनोमिनेटर से डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 2 करें तो आपके पास क्या जवाब आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब वो जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद है जी प्लस साइन एंड देन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, अगर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो तो मीन कि एक्स प्लस 2 होगा, तो मीन एक्स माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2, तो अगर आप देखें आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर माइनस टू का स्क्वेयर विच इज 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस टू एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 4। तो यहां पे देखिए कैंसिलेशन यानी प्लस 4 माइनस 4 से कैंसिल आउट एंड विल गेट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज 2 एक्स स्क्वेयर यानी 1 एक्स स्क्वेयर है जिसके साथ कुछ भी नहीं होता वो फॉर श्योर 1 है। तो 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर 2 एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 2 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 4 एंड वी गेट 2 2 से कैंसिल तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 4। अब हम ऑप्शन में चलते हैं कि क्या कोई ऑप्शन हमारे पास इस तरह की है। मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं ताकि हम ऑप्शन में जाके इसको पेस्ट कर सकें। चलें जी यहां पे कहीं पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। चलें यहां पे अब हम इसको कंपेयर करते हैं कि क्या वाकई ही हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4। ये नहीं हो सकता एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 दिस इज द राइट आंसर। नेगेटिव में नहीं है और डिनोमिनेटर में 2 नहीं है। सो हमारे पास आंसर ऑटोमेटिकली आ चुका था सेकेंड ऑप्शन में। ठीक है जो ऑप्शन बी है दिस इज अवर राइट आंसर। तो हम बी को यहाँ पे सर्कल कर देंगे या मार्क कर देंगे यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन है जी एक्स ओवर 2x माइनस 3 इज ए और एन प्रॉपर जो फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर है कंडीशनल है या नॉन है। तो अब हम ये बात जानते हैं कि अगर न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो अगर डिनोमिनेटर की डिग्री से स्मॉलर हो तो उस केस में वो क्या होती है इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो डिनोमिनेटर से तो इम्प्रॉपर है। अब यहाँ पे केस आ गया जहां पे एक्स की भी पावर 1 है और यहाँ पे एक्स की पावर 1 है यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो डिग्री है एक्स की वो सेम है तो इस केस में ये प्रॉपर होगी या इम्प्रॉपर होगी। तो फॉर श्योर ये इस केस में भी इम्प्रॉपर होगी क्योंकि जब हम डिफाइन करते हैं अलजेब्रिक प्रॉपर फ्रैक्शन को तो हम बात करते हैं न्यूमरेटर की डिग्री फॉर श्योर लेस होनी चाहिए इन लेस होना शर्त है। अगर लेस नहीं है तो फिर वो इम्प्रॉपर है यानी ई ग्रेटर होने की सूरत में या बराबर होने की सूरत में दोनों सूरतों में वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के तौर पे ही ट्रीट की जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं 8x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस x स्क्वायर कैन बी रिटन इन पार्शियल फॉर्म एज यानी अब ये मेरे पास इसके ऑप्शन बहुत बड़े बड़े थे यानी वो लेंथी एक ऑप्शन थी इसकी तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको हम खुद ही इसके आंसर पे पहुंचते हैं बिकॉज हम खुद भी आइडिया है कि हम इसके इसका आंसर पॉसिबल क्या हो सकता है। देखिए 8x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस x स्क्वायर। अब इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि जो रूट्स हैं ये जो फैक्टर्स हैं उनकी नेचर क्या है। तो 1 माइनस x स्क्वायर जो कि अपेरेंटली हमें लग रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक है लेकिन 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से हम इसको लीनियर में लेके आ सकते हैं जैसे ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू ए ओवर 1 प्लस एक्स यानी लीनियर के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं प्लस बी ओवर 1 माइनस एक्स तो ये तो सिंपलीफाई होगा जो कि बाहर हमें लग रहा था क्वाड्रेटिक एक्चुअली ये क्या है लीनियर है प्रोडक्ट फॉर्म में तो हमने इसको तो लिख दिया। अब रह गई बात जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है हमारे पास जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक भी है और साथ रिपीटेड भी है क्वाड्रेटिक भी है साथ रिपीटेड ही रिपीटेड भी है तो प्लस ये आ जाएगा हमारे पास ए बी और उसके बाद आ जाएगा सी एक्स प्लस टी यानी पहले क्वाड्रेटिक सिंगल के लिए हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे फिर ई एक्स प्लस एफ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर तो जो आपके पास ये वाली ऑप्शन होगी आप उसको मार्क कर देंगे या ये यू भी हो सकती है पहले वो क्वाड्रेटिक फैक्टर का लिख ले यानी ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और फिर प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर और उसके बाद फिर प्लस ई ओवर 1 प्लस एक्स और फिर प्लस एफ ओवर 1 माइनस एक्स
तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि अवेलेबल ऑप्शन में आपके पास आंसर इस तरतीब में भी लिखा हो, लेकिन इन दोनों के जो मीनिंग है, दोनों के जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो सेम है, बिल्कुल सिमिलर है, तो लिहाजा आप इस वे में लिखें या इस वे में लिखें, आपके पास अवेलेबल ऑप्शन में इन दोनों में जो भी ऑप्शन होगा उसको आप टिक करेंगे, बाकी सारे रॉन्ग ऑप्शन होंगे। तो ये था जी हमारे पास फ्रैक्शंस इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी जिसके केसेस हमने दोनों पढ़ लिए। तो हमने बात की कि हमने यहाँ पे रिवर्स स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, जिससे हम टाइम भी सेव कर सकते हैं और क्वेश्चन में गलती के चांसेस भी बहुत कम होंगे।